سبيل الدموع سبيل مريح تنا أدا يا صاحي كي تستريح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. मोहतरम सामईन कराम बुजुर्गों दोस्तों साथियों और ख़वातीन इस्लाम, मैंने सूरह माईदा सूरह नंबर 5 की आयत नंबर 104 आप लोगों के सामने पढ़ी है। इस मुनासिबत से मेरी तकरीर का उनवान है रस्म व रिवाज। सामईन कराम अल्लाह रब्बुल आलमीन का भी इंतहा शुक्र एहसान है कि हम और आप अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ जमा हुए हैं। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों की हाज़िरी को कबूल फरमा ले, आमीन। उसके बाद मैं आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ आने की दावत दी। अल्लाह हक बात कहने खुद अमल करने और लोगों तक पहुँचाने की तौफीक दे, आमीन। उन्वान है अपना रस्मों रिवाज। रस्मों रिवाज मुल साहब इस सिलसिले में कहाँ से शुरू करें, क्योंकि रस्मों रिवाज की तो बड़ी लंबी लिस्ट है, फहरिस्त बड़ी लंबी है। हम और आप अपने समाज में उस रस्म को पूरा करने के लिए बहुत कुछ दाव पे लगा देते हैं। लोगों से कहिए भाई ये रस्म छोड़ दीजिए, ये रिवाज छोड़ दीजिए, वो कहते हैं कि बाप दादा करते हुए आ रहे हैं तो गलत है क्या। तो आइए इस तकरीर को शुरू करें उसी आयत से जो आयत मैंने पढ़ी, सूरह माईदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 104। वैसा तीरम तारसूल, जब कहा जाता है कि आओ अल्लाह की तरफ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, तो वो कहते हैं قال حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا, हमने अपने बाप दादा को जिस पर पाया वो हमारे लिए काफी है। अल्लाह फरमाते हैं أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون, क्या उनके बाप दादा नहीं जानते थे, हिदायत पर नहीं थे, समझते नहीं थे, तो क्या ये लोग भी नहीं समझेंगे। समझना पड़ेगा, गौर फिक्र करना पड़ेगा। तो कुछ लोग लाजे शर्म में ही रस्मों रिवाज को पूरा करते हैं कि भाई फलाने का मैंने खाया तो उसको तो खिलाना ही पड़ेगा, अगर उसको मैं दावत में नहीं बुलाया, बाराती नहीं ले गया तो मैं तो खुद जा चुका हूं, मुझे तो दावत देनी ही पड़ेगी। भाई मैं उसकी बरसी में शामिल हुआ, उसके 40वें में शामिल हुआ, 14वें दिन शामिल हुआ और खा के भी आया हूं। तो कहीं कहीं ऐसा भी होता कुछ लोग इंतजार में रहते दूसरे के यहाँ हैं, वो क्या दूसरे के यहाँ इस तरीके से है जो लोग इस्लाम को नहीं मानते कि अगर कोई मरता है तो उनको खाने के लिए मिलता है, तो जैसे खाने की दावत आ गई तो पूछते हैं कोई मरा है क्या। तो ऐसा भी हो रहा है इस तरह से अपने समाज में, देखिए कहीं कहीं। एक तो बेचारा रुखसत हुआ तो उसके घर वाले ही खाना खिलाते हैं, उल्टा हो गया, जबकि क्या होना चाहिए था, हमें और आपको चाहिए था कि हम उनको खाना खिलाते। तो ये खाने पीने का सिलसिला मरने के बाद भी चालू रहता। बहुत सारी रस्म है, अब कहाँ से शुरू करेंगे कहाँ खत्म करेंगे मौलवी साहब को खुद ही समझ में नहीं आ रहा। शादी की रस्म, बच्चे की पैदाइश में रस्म,
महीने वाला रस्म, बहुत सारी रस्में हैं, तो ये मुल साहब देखेंगे। और कुछ रस्में तो पूरे इंडिया में एकदम कॉमन है, यानी हर जगह देख लीजिए वैसा ही। तो आप देखिए कहां से शुरू किया जाए, महीने के एतबार से लेते हैं। अरबी के पूरे महीने कोई हमको सिखा सकते, मतलब सुना सकते, बता सकते है किसी को? याद मुली साहब से मैं नहीं कहता, जो मुली साहब है वो नहीं बोलेंगे, जिसको जानकारी है वो बात नहीं करेंगे। तो मुली साहब के यहाँ बैठिए तो हमेशा जरा अलर्ट रहिए क्योंकि कुछ जानकारी लेके जाने का। तो अरबी के पूरे महीने कौन हमको सुनाएंगे बोलिए? आपने सुना ना इम्तियाज भाई? कैमरा जरा इधर लाइए, ये अरबी के पूरे महीने सुना रहे हैं। चल बाबू, वाह भाई वाह। आप स्कूल में पढ़ते हैं या मदरसे में पढ़ते हैं? स्कूल में पढ़ते हैं, सुभान अल्लाह। अरबी के पूरे महीने याद है, मेरे साथ पढ़िए। मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, जुमाद अल उला, जुमाद अल आखिरा, रजब। हम लोग क्या बोलते हैं? रजब, नहीं वो गलत है, क्या बोलने का? रजब। शाबान, रमजान। हम लोग क्या बोलते हैं? रमजान, नहीं रमजान। शव्वाल, जुल्कादा, जुल्हिज्जा। चलिए महीने वाली ही रस्म ले लेते हैं, क्योंकि अरबी के हिसाब से ही हमारी रस्म चलती है, लेकिन अब अंग्रेजी के हिसाब से भी रस्म चलती है। तो जरा कुछ नौजवानों से पूछता हूँ कि 14 फरवरी को कौन सी रस्म पूरा करना भाई? कोई साथ देंगे? हैं साथ देने वाले? बोलिए ना भाई, कौन है? शर्माने की बात क्या? शर्माने की बात मुझे साहब के साथ गेट टुगेदर करने का, हाँ तो आप बातचीत भी करते रहने का, वरना सिर्फ तकरीरी सुनते रहेंगे। मुझे साहब चाहते कि नहीं सुने ही नहीं, सुनाए भी कुछ ना। तो वेलेंटाइन डे, तो अंग्रेजी के हिसाब से भी। फिर उसके बाद शम्स भाई, गुड फ्राइडे भी है क्या? वो क्या गुड फ्राइडे मार्च का आखिरी जुमा है? आपको नहीं मालूम मार्च का आखिरी जुमा क्या है? गुड फ्राइडे, सही है। तो हम अरबी के हिसाब से लेंगे। हमारा साल जो शुरू होता किस महीने से? मुहर्रम से। मुहर्रम से शुरू होता, हम साल शुरू करते रो रो कर, तो पूरे साल रोते ही रहते हैं। मुहर्रम के महीने में और सफर के महीने में हम और आप शादी ब्याह नहीं करते, करते हैं? शादी खाने बुला रहे हैं, भाई जल्दी आके भरो, कहाँ है लोग, कहाँ चले गए, शादी खाने खाली रहते हैं मुहर्रम और सफर में। क्योंकि मुहर्रम का महीना लोग क्या बोलते हैं? मनहूस है, मनहूस। सही, बिल्कुल सही फरमाया। सफर का महीना मनहूस, और सफर की 13 तारीख, और रात में लोग सोते, अंडा भी लेके सोते और पैसा भी लेके सोते, और सुबह बाबा घूमते रहते चूना लगाने के लिए कि 13 तेजी कराओ, यानी ऐसा करा लेंगे तो मुसीबत क्या हो जाएगी? वो खत्म हो जाएगी। तो अपनी यहाँ ये रस्म चल रही है। तो महीने वाली मतलब ये कि मुसलमान लोग कर रहे हैं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। ये अलग बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग नहीं कर रहे, लेकिन मुसलमानों में ये चीज पाई जा रही है। तो मुहर्रम का महीना मनहूस, सफर का महीना मनहूस, इस महीने में शादी ब्याह नहीं करने का, सही है? डेट देने का कि भाई अब शादी होगी तो मुहर्रम के महीने में। हम सुन्नियों को क्या हो गया है? हम सुन्नियों को क्या हो गया है? असर हो गया है हम सुन्नियों को। सफर के महीने में शादी की डेट रखने का, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रसम को तोड़ दिया। आइए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह हम भी सुन्नत पर अमल करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में शव्वाल का महीना मनहूस था अरबों के यहाँ। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, सही मुस्लिम किताबुल निकाह हदीस नंबर 1423, तज़व्वुज यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी शव्वाल व बना भी फी शव्वाल,
कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे शादी की शव्वाल के महीने में और मुझसे मिले भी शव्वाल के महीने में। तो हम मुहर्रम और सफर में तारीख शादी की रखने का, जिन लोगों की शादी नहीं हुई वो कोशिश ये करें कि मौली साहब इस सुन्नत को हमने जिंदा करना, तो जब तक हम और आप नहीं करेंगे सुन्नत जिंदा हो पाएगी? तो हम सुन्नियों को क्यों असर हो गया है उनका, यानी छोटे छोटे सीन को बड़े सीन का असर हो गया है, समझ गया? खोल के नहीं बोलेंगे मौली साहब, छोटे सीन को यानी सीन को शीन का असर हो गया है। बाबू आप समझे? नहीं समझे? आप नहीं समझे? आप समझ गए? आप भी समझ गए? ज्यादा लोग समझ गए कि सीन को शीन का असर हो गया है, और शीन वाले मुहर्रम के महीने में काला कपड़ा पहन के घूमते मातम करते हैं। हमने कौन सा मातम करना भाई? मातम जायज है, 3 दिन शोक मना सकते, और बीवी है तो 4 महीना 10 दिन, लेकिन अगर शौहर है तो है नहीं, शौहर है तो उनके लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मोहतरमा है तो उनके लिए है 4 महीना 10 दिन, उसके अलावा कहीं भी शोक मनाने का जिक्र नहीं मिलता। तो मुहर्रम के महीने में, सफर के महीने में हम लोगों को शादी की डेट फिक्स करनी चाहिए। कौन है जो इस सुन्नत को जिंदा करेगा और आगे बढ़ेगा? जो भी ऐसा करेगा उसका बड़ा फायदा। माशाल्लाह आप हाथ उठा रहे, सुभान अल्लाह। मौली साहब तो सिर्फ हाथ ही उठवाते हैं, आप लोगों को भी लगता होगा कैसे मौली साहब हैं, सिर्फ हाथ ही उठवाते हैं, हम लोगों को तंग करते हैं। तंग नहीं करना, वो जज्बा भाई, एक हदीस सुन लिया उस पर अमल, एक हदीस पर अगर अमल हो गया तो ये पूरी मजलिस जो सजाई गई है सवाब मिलेगा कि नहीं? सिर्फ एक हदीस पर अमल, उस अमल के जज्बे के तहत यहां बैठना, वे मौली साहब जो बताएंगे हम अपनी जिंदगी में ले आएंगे। तो चलिए, अब महीने वाली जो रस्म थी वो, भाई कोई भी महीना मनहूस नहीं है, डेट मनहूस नहीं है, तारीख मनहूस नहीं है, नंबर मनहूस नहीं है। कहीं कहीं नंबर भी मनहूस होता, जानते आप कौन सा नंबर मनहूस है? 13 नंबर, सही पकड़ लिए। तो क्या डेट देने का? 13 मुहर्रम रखने का जानबूझ के, 13 सफर जानबूझ के रखने का, कोई भी चीज मनहूस नहीं है, काहे को लोग इधर उधर भाग रहे। चलिए आप यहां से निकले, महीने से हम और आप निकल रहे हैं, तो रस्म और रिवाज बहुत सारी है, धीरे धीरे मौली साहब बहुत सारी। चलिए अब शादी की रस्म आई, शादी के बाद आते ही बहुत सारे रस्म और रिवाज हमारे हैं, और सब लोग कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, सही किताब सुन्नत पर चलने वाले लोग भी कर रहे हैं, जो कम चलते वो भी कर रहे हैं, माशाल्लाह जो हज करके आए हैं वो भी कर रहे हैं, माशाल्लाह हाथ में जो विरत कर रहे हैं, विरत जिनका चालू है वो भी कर रहे हैं, जिनके माथे पर ठेला है वो भी शादी में रस्म रिवाज कर रहे हैं। और अगर हमने शादी सादी की, यानी शादी सादी की, तो लोग ताना देंगे, पैसा नहीं था तो मुझसे ले लेते ना। हाँ, अभी जल्द ही आपके हैदराबाद शहरी की बात कर रहा हूं, सिद्दीक भाई पहचान के हैं, तो उन्होंने अपने बच्चे की शादी की बिल्कुल सादी, तो उनके जानने पहचानने वालों ने ताना दिया, अरे नहीं था तो ले लेते, जबकि खुद एक बड़ी ताजी रही। ऐसे बहुत सारी मिसाल आपके समाज में, हमारे समाज में, हमारे दरमियान है, लोगों के दरमियान है, ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे। अगर आप सुन्नत पर अमल करना चाहेंगे तो आपको लगेगा कि आप अजनबी हैं, समाज में यही हो रहा है। अगर आप एक सुन्नत को जिंदा करना चाह रहे हैं तो आप अजनबी हैं, लोग अरे बोलेंगे ये क्या कर रहा, गलत कर रहा, लोग क्या कहेंगे गलत कर रहा, क्या यही आया सुन्नत को जिंदा करने वाला? ओहो, आप ही सुन्नत को जिंदा कर रहे हैं, आपने ही करना भाई, शादी हर दिन थोड़े ना होती है, एक ही मर्तबा होती है, फिर उसमें भी रस्म रिवाज ना हो। आप रस्म रिवाज क्या है, कहां है अब्दुल जब्बार भाई, शम्स भाई, अब्दुल जब्बार भाई कहां चले गए? हैं उधर हैं, अब आप लोग साथ दीजिएगा। शादी में कौन सी रस्म हम और आप कर रहे हैं?
एक रस्म आप लोगों के यहाँ है क्या? ये तो हर जगह इंडिया के अंदर है, अब आप लोगों में है कि नहीं, हैदराबाद शहर में है कि नहीं, वो आप लोग बताएंगे। मंगनी की रस्म, क्या बोलते हैं? एंगेज, एंगेज, एंगेजमेंट की रस्म है आप लोगों के यहाँ? अरे है रिवाज, यानी मौली साहब जो गिना रहे हैं अब धीरे धीरे आ रहे हैं, तो मंगनी की रस्म यहाँ है। मंगनी की रस्म में शादी हाल क्या करते? बुक कराते, दावतें होती, फिर उसके बाद अंगूठी, अंगूठी पहनाते और फिर फुल जो भी होता वो कर रहे रहे। फिर उसके बाद और कौन सी रस्म है भाई? शादी में आ गए आपके जब्बार भाई, आ गए, आइए भाई आइए, सब गिराना पड़ेगा आपको। हाँ वही माइक लेके खड़े रहिए। हाँ वो है मेरे पास, वो पेपर में लिख के दिए थे कि शादी ब्याह में ये रस्म हो रहा, वो कौन कौन सा जुमला हमको तो याद भी नहीं आ रहा है। सांचा, सांचक मतलब क्या? अच्छा अच्छा, वो दुल्हन की बहन जो है वो जीजा जी के पास जाती, बहनोई के पास जाती, और ये वाली उंगली, ये वाली की ये वाली पकड़ना, तो अब ये पकड़े तो ये छोड़ा है, 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 खूब चलता, इधर चल रहा, इधर चल रहा, इधर चल रहा, इधर चल रहा, फिर किसी तरीके से उंगली पकड़ा गई, पकड़ा गई उसके अंदर वो। किसी ने कहा ये भी बोलते थे कि साली आधी घरवाली, ये जुमला भी बोलते, साली आधी घरवाली, और बीवी को लोग घुमाएंगे नहीं उतना ज्यादा जितना साली को घुमाते हैं। हाँ फिल्म देखने दिखाने भी ले जाते, फिल्म दिखाने ले जाते, फोन पर घंटों बात कर रहे हैं, और बुर्के के अंदर भी अगर साली जा रही है तो अपनी साली को जरूर पहचान जाएंगे कि वो मेरी ही साली है। पहले लोग बोलते थे कि साली आधी घर वाली, अब क्या हो गया, कहीं कहीं अपनी बीवी को छोड़ दी है और साली पूरी घर वाली हो गई, लेके चले गए भाग के और शादी कर ली। तो ये किसने कहा है करने को, जाके अंगुली पकड़ना और ऐसा करना, ये कहा है कुरान हदीस में जिक्र है? इस पर अमल करना अपने समाज में हो रहा है भाई, वो तो उनसे पर्दा करना है ना, बहनोई से बच के रहना है ना। अंगुली साहब ये सब रस्म नहीं करेंगे तो लोग क्या बोलेंगे, क्यों ऐसा? क्योंकि यह है छोटी छोटी चीज, लेकिन यही चीज आगे चल के बुराई के लिए रास्ता खोल लेगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साली है अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सही बुखारी किताब निकाह किताब नंबर 67 हदीस नंबर 5225। अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जा रही है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जा रहे हैं, वो भी आ रही है घर की तरफ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आ रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंट पर सवार हैं, अपनी साली को देखा तो कहा इही, यानी ऊंट पर तू सवार हो जा, लेकिन वो सवार नहीं हुई। वो कहती है कि मुझे अपने शौहर जुबैर की गैरत याद आ गई, फजकर तू जुबैर व गैरत हो, मुझे जुबैर और उनकी गैरत याद आ गई, इसलिए मैं बैठी नहीं। जब मैं घर पहुंची तो अपने शौहर से कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ते में मुझे बैठने के लिए कहा था लेकिन मैं बैठी नहीं। उनके शौहर ने कहा अरे बैठ जाती, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या मसला था। फिर उसके बाद शौहर एक नौकर ले आए और वही बाहर का सब काम करने लगा। देखा आपने किस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एहतियात किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साली ने भी एहतियात किया। आज अपने समाज के अंदर, आज अपने समाज के अंदर जरूरी है, हम लोगों के लिए जरूरी है कि जीजा जी भी एहतियात करें, बहनोई भी एहतियात करें और साली भी एहतियात करें। क्यों? अगर नहीं करेंगे तो शैतान बहका सकता है और बुराई अपने सामने हो रही है, हम और आप देख रहे हैं। तो ये आजादी देने का नतीजा है। चलिए एक चीज वो हो गई, एक और चीज है, वो जुमला हम भूल रहे हैं। वो चौथे दिन या तीसरे दिन बोलते पानी एक दूसरे को चौथी करना, पानी से खेलते, ऐसा है क्या पानी से खेलना? अरे भाई होली खेल रहे हैं क्या, होली खेल रहे हैं क्या? पानी से खेलते शम्स भाई, पानी से खेलते,
और होली में किससे खेलते हैं? हाँ? कलर से और रंग से खेलते हैं। तो अगर वो कलर और रंग से खेले तो क्या हो जाए? होली हो जाए। और हम और आप पानी से खेलें तो गोली हो जाए, चौथी हो जाए। वाह सही कहा, चौथी हो जाए। और हमारे लिए जायज और उनके लिए नाजायज। वजा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, वजा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। सही मुस्लिम का सुनन अबी दाऊद किताबुल लिबास किताब नंबर 31 हदीस नंबर 4031, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो जिसके तरीके पर चलेगा वो उसी में से हो जाएगा। फिर इसी तरह शादी ब्याह में गाना बजाना भी होता है क्या? कुछ लोग बोलते हैं ये कफ है, कफ का एक साइड का खुला रहता है दूसरे साइड का ढका रहता, और अगर दोनों तरफ बंद है तो उसको तब बोल सकते, तब नहीं हो क्या है वो ढोल है वो, और ढोल बाजा जहां बजेगा वहां क्या होने वाला है? ढोल और बाजा जहां बजेगा वहां क्या होगा? शैतान अपना घर कर लेगा। वहां क्या होगा? अल्लाह की तरफ से अजाब आएगा, अल्लाह की तरफ से अजाब आएगा। वहां क्या होगा? अल्लाह की तरफ से अजाब आएगा जहां भी ढोल बाजा बजेगा। सुन लीजिए हदीस सुनन तिर्मिज़ी किताब अल फितन किताब नंबर 31 हदीस नंबर 2212, फी हाज़िहिल उम्मा खस्फुन व मस्फुन व क़ज़फुन, इस उम्मत के अंदर धंसना फूट जाएगा, चेहरे बिगाड़ दिए जाएंगे, पत्थरों की बारिश होगी। पूछने वाले ने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कब होगा? का इज़ा ज़हरतिल क़ियान वल मआज़िफ व शुरिबतिल ख़ुमूर, इज़ा ज़हरतिल क़ियान, जब नाचने गाने वालियों का ज़ुहूर होगा। शादी ब्याह में लोग छक्कों को नहीं नचवाते क्या? फिल्मी हीरोइन को नहीं नचवाते जो पैसे वाले हैं? नचवा रहे हैं, सब अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, अपनी दौलत लुटा रहे हैं, इनके पास दौलत ज्यादा है। बोल महाज़िफ और ढोल बाजे के सामान मिलेंगे, वशुरबतिल खुमूर और शराब पी जाएगी। अपने यहां भी पीने वालों की तादाद बढ़ रही है कि नहीं? शादी ब्याह में ऐसा होता कहीं कहीं हो रहा है? हो रहा है। जो लोग अपने आप को मॉडर्न कह रहे हैं वो लोग कर रहे हैं जो अपने आप को बहुत आला तालीम याफ्ता समझते हैं कि हम बहुत ऊंचे हैं, समाज में हमारा नाम है। क्या नाम है भाई? हम नाम वाले हैं। अच्छा याद रखिएगा, गलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, गलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में, नकर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, नकर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। कोई ना आम है भाई, खुशी का मौका है भाई। 31st को होता क्या? पुराना साल गया नया साल आया, उसमें क्या करते? रात रात भर पीपी के सब पड़े रहते हैं। ठीक है, मुस्लिम नौजवान 31st मनाते कि नहीं मनाते? मनाते। कुछ लोगों ने कहा नहीं मनाते। मनाते? अच्छा, फटाका भी फोड़ते, मनाते भी, डांस भी करते, गाना भी गाते और पीपी कर पड़े रहते। लड़के भी गा रहे हैं, लड़कियां भी गा रहे हैं। ये कॉलेज की देन है, मॉडर्न है ये लोग। अब इन्होंने यही रहना, मरना नहीं। ऐश कर रहे हैं, इंजॉय करो, जवानी है जरा कुछ कर लो। नहीं, कर जवानी में इबादत काहिली अच्छी नहीं, कर जवानी में इबादत काहिली अच्छी नहीं। जब बुढ़ापा आ गया कुछ बात बन पड़ती नहीं, बूढ़े होने के बाद क्या होगा? वक्त पीरी गुरु जालिम नी शब्द पढ़ेगा, बुढ़ापे के वक्त जालिम भेड़िया भी सुधर जाता है। रस्मो रिवाज, अभी शादी ब्याह में हम चल रहे हैं। शादी ब्याह में बारात उरात का सिस्टम है आप लोगों के यहाँ? है, मुसलमानों में भी है। हम तो सोच रहे थे कि वहां है जहां पढ़े लिखे लोग नहीं है, पढ़े लिखे लोगों के यहाँ भी बाराती का रस्म है, बाराती की रस्म है, पढ़े लिखे लोगों के यहाँ भी ये रस्म रिवाज है। अच्छा, दान दहेज का सिस्टम है क्या आप लोगों के यहाँ? वो भी है क्या? और लेने का अंदाज भी बहुत प्यारा है। हाँ, टोपी वाले भी ले रहे हैं और ठेला वाले भी ले रहे हैं, जानते हैं ठेला वाले, और हज जो पढ़ गया है वो भी ले रहे हैं।
अब लेने का एक दो अंदाज बता दूं, ये मेरा बेटा पगला कहीं का, किसी चीज की आदत नहीं है इसको, लत नहीं है, सिर्फ पगले को मर्सिडीज गाड़ी में घूमने का शौक है। इसका मतलब क्या हुआ? पगले को किसी चीज का शौक नहीं, पगले को सिर्फ मर्सिडीज गाड़ी में घूमने का शौक है। समधी जी चाय की दावत पर आ जाइए। समधी जी आ गए, आइए। जब आ ही गए हैं तो गरीब खाना देख लीजिए, पूरा महल बना करके रखे हुआ, महल को क्या बोलता है, गरीब खाना है, और उसके ऊपर लगा के लिखे हुआ है, लगाया हुआ बोर्ड, हाजा बिन फजल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। ये अलग बात है कि वो सूद के पैसे से, गलत पैसे से बना हुआ है, लेकिन फिर भी मेरे रब का फजल है। आगे की भी आयत लिख के रखने का, जिसको लोग भूल गए, लियबलुवनी अशकुरा मकफुर, ये मेरे रब का फजल है, वो मुझको आजमा रहा है कि मैं शुक्रिया अदा करता हूं या ना शुक्रा हो जाता हूं, इसको नहीं लिखते लोग। हाँ, बहुत होशियार हैं। आगे वाली आयत लिखने का, सूरह नंबर 27 आयत नंबर 40 लिखिए जरा, कि वो मुझको आजमा रहा है, किसी को देकर आजमा रहा है तो किसी से लेकर आजमा रहा है। चलिए, तो बात क्या चली थी, लेने का अंदाज। आइए आइए, समझी जी आइए, बहुत प्यारा अंदाज है बुलाने का। आइए समझी जी, घर पहुंचे, आइए आइए, चाय वगैरह पी लिए, चलिए जरा गरीब खाना देख लीजिए, आइए 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 आइए। ये जो रूम है ना, मेरे बड़े बेटे का रूम है, और अभी जल्द ही शादी हुई है उसकी, आइए उसका भी रूम देख लीजिए कम से कम। आइए देखे रूम, देखे, देख रहे ये पूरा सामान शादी में उनको मिला है, फिर अभी मुझे पता चला कि हराम है लेना। अब पहले जो ले चुका तो जरा दिखा दूं आपको मैं, ये मिला ये मिला ये मिला ये मिला ये मिला ये मिला, लेकिन समझी जी है हराम, हराम 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 हराम। तो ये जब हराम ही था तो आप दिखा कह रहे हो, जब हराम ही है, नहीं लेना है आपको, तो आप रूम क्यों दिखा रहे हैं? तो कान को किधर से पकड़ने का, ये सीधे से नहीं पकड़ा है तो उल्टा करके कान पकड़ने का, और सामने वाले को घुमा देने का, हराम 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 हराम। कितनी बहने शिकार हो गई, कितनी बहने इधर उधर चली गई, कितनी बहनों को शैतान ने बहका दिया, कितनी बहने दहलीज पर बैठी है, माँ बाप की कोई हाथ लाल पीला करने वाला नहीं है। ये दान दहेज की लानत की वजह से कुछ घराने बर्बाद हो गए। यहाँ शादी हमारी मुश्किल है, शादी मुश्किल है, शादी मुश्किल है, क्यों? दान दहेज की वजह से। कहीं देख लीजिए लड़की वाले कर नहीं पा रहे, और कहीं शादी मुश्किल है महर की वजह से। भाई है ही नहीं लड़की के पास, तो शादी कैसे करे, वो भी सही सिमत में नहीं जा रहे हैं और हम लोग भी सही सिमत में नहीं जा रहे हैं। इसलिए आप देखिएगा, बेटी अगर पैदा हुई तो ऐसा नहीं है कि सब लोग बेटी को नहीं चाहते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो रस्म व रिवाज है, दान दहेज वाला जो मसला है, इसको देखकर अक्सर गरीब लोग परेशान हो जाते हैं। क्या होगा, ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ और अच्छे तरीके से जानता हूँ, और किताबों में भी मैं पढ़ा हूँ, ऐसे ऐसे वाकया, अगर हमारे अंदर कुछ गैरत है ना, तो हमने तौबा कर लेना, भाई चाहे जो हो जाए, शादी हमने तो शादी ही करना। एक आदमी था, किताबी वाकया बता रहा हूँ, भाई हमने कुछ नहीं लेना, डेट तय हो गई। जब डेट तय हो गई तो अब सामने वाला मजबूर है, तो फिर फोन करके बोल रहे, ठीक है ये नहीं लेना ये नहीं लेना ये नहीं लेना, कम से कम कुछ बिस्तर ही दे दीजिए एक चीज, फिर कुछ और बड़े ये दे दीजिए ये दे दीजिए। अब बारात आ गई, आपने बारात को वापस जाते हुए सुना है कभी कि बारात वापस हो गई, कभी आप लोगों ने सुना नहीं सुना है? चलिए बहुत अच्छे हैं आप लोग कि आप लोगों ने ये जुमला नहीं सुना कि बारात वापस हो गई। आप वाकयात सुनेंगे तो बहुत सारी जगहों से बारात वापस हो गई और शादी नहीं हुई, मुतालिबात पूरे नहीं हुए। तो ये वाकया जो किताबी वाकया मैं बता रहा हूँ कि बेटी के बाप ने कहा, समझी जी अब मुझसे जो हो सका वो मैंने किया, मुझसे जो हो सका वो मैंने किया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी बीवी भी दुनिया से गुजर गई, दो बच्चियों की परवरिश मैंने की,
मैं अब कुछ आपके लिए नहीं कर सकता, कम से कम मेरी लाज रख लीजिए, मेरे खानदान की लाज रख लीजिए और ये शादी कर लीजिए। लड़के वाले ने कहा, लड़के के बाप ने कहा कि नहीं, जब तक ये नहीं मिलेगा शादी नहीं होगी। ऐसा कहीं जुमला आप लोगों ने सुना? हाँ, जब तक ये नहीं मिलेगा, ये मुतालिबात पूरे नहीं होंगे, शादी नहीं हो सकती। बेटी ने जब सुना तो घर के अंदर ही उसने ऐसा गलत कदम उठाया, छुरी लाई और अपने पेट में घोंप लिया और वो मर गई। बाप ने जब ये देखा कि मेरी बेटी ही नहीं रही दुनिया के अंदर, तो वो भी घर से छुरी लेकर आया और समधी जी के पेट में घोंप दिया, बोले आपकी वजह से मेरी बेटी नहीं रही। उधर वो बेटी नहीं रही, इधर समधी जी नहीं रहे, दो दो लाश, और ये लड़की का बाप जेल में, शादी नहीं हुई। किताबी वाक्य मैंने बताया, किताब के अंदर जो पढ़ा बताया। एक पहचानने वाले ने मुझसे कहा कि एक बूढ़ा आदमी अपनी बेटी की शादी के लिए बड़ी तैयारी की, बहुत कुछ किया, लोग सूद पर भी पैसे लाते हैं, लाते कि नहीं लाते, कहीं नहीं ला रहे हैं सर, ला रहे हैं, रस्मों रिवाज पूरा कर रहे हैं, लोग क्या कहेंगे और खाल खींच लेंगे, अगर ये पूरा करके नहीं देंगे तो बेटी वहां तकलीफ में रहेगी, गोया के बोझ बन गई है बेचारी, जबकि वो बोझ नहीं है, जबकि वो बोझ नहीं है, वो सरापा रहमत है, लेकिन मसाइल अपने यहाँ चल रहे हैं। बेचारा बूढ़ा रोया, आंख से आंसू गिरे कि भाई लाज रख लो। तो किसी तरीके से वो शादी, क्या कहें। अब कुछ बहनें जो है वो अपनी गैर मुस्लिम के साथ भी भाग रही हैं। हाँ, आप कुछ नौजवानों को बहुत तैश आता, बहुत जोश आता, अरे उसकी बेटी कैसी है, वो फलाने की बेटी कैसी है, दिस है, डेट है, कभी हमने सोचा? सुन लीजिए, चार बहनें थी, किताबी वाकया, तीन बहनों की शादी हो गई, एक की नहीं हो रही। इंतजार किए, बाबा ने बड़ी कोशिश की, कोशिश करके तीनों की तो शादी कर दी। अब इसके लिए सब आते हैं, देख के चले जाते हैं, क्या चीज की कमी है भाई, क्या चीज की कमी है? दान दहेज की कमी है, इल्म की कमी नहीं, नॉलेज की कमी नहीं, खूबसूरती की कमी नहीं, इसकी कमी है। बिलाखिर एक शैतान ने धोखा दे दिया, एक शैतान पीछे पड़ गया, मैं गाड़ी पे घुमाऊंगा, मैं बंगले में रखूंगा, और ये बहन सीधी साधी उसके साथ भाग गई। बहुत सारे वाक्यात है, आप सुने होंगे, कोई इस पर बोलता नहीं, क्यों नहीं बोलता भाई, ये सब दान दहेज की वजह से है। अगर आसानी होती तो कोई बहन इधर उधर चली जाती। हाँ, कुछ बहनें हैं जो कॉलेज में पढ़ रही हैं, अब उन पर होती सवार है तो लोग क्या कहें, वो इधर उधर जा रही है तो क्या कहें, मॉडर्न हो गई तो क्या कहें। अभी मैं रियल वाक्य बता रहा हूं, तो उसका जो वाक्य था, भाग गई, तब कुछ नौजवान निकले समझाने के लिए, अरे बहन आपने क्या किया, आपने क्या किया, आपने क्या किया। उस बहन ने ऐसा तमाचा मारा इन भाइयों को, तमाचा मारा मतलब चांटा नहीं मारा, बोल के मारा, अरे कहां थे तुम लोग, समझाने के लिए आए हो, मुझे आग में जाना गवारा है, मेरे आग में जाने से अगर कुछ बहनों की जिंदगी सुधर गई तो मुझे ये गवारा है। कुछ गैरत उरत पैदा हुई आप लोगों को? कुछ नौजवान शादी सादी करना चाहते हैं लेकिन उसके मां बाप करने नहीं देते। हाँ, कि हमने बेटी में इतना खर्च किया तो बेटे में लेंगे क्यों नहीं भाई, कम से कम बेटे को डॉक्टर बनाया, 50 लाख लगाया है और 1 करोड़ मिल रहा है, तो ये माल आ रहा है, तो ये नेमत मिल रही है ना, अब उसको छोड़ने के लिए आप बोल रहे हैं, आन दो, पैसा आता कहां है। एक रियल वाक्य, अभी जल्द ही मैं तो महीना पहले आंध्रा के इलाके में था, एक मौली साहब ने वाक्य सुनाया कि एक साहब को अपनी बेटी की आला तालीम की बहुत फिक्र थी कि वो आला तालीम हासिल कर ले, भेज दिया, क्या हुआ वो गैर मुस्लिम के साथ वो भाग गई, भागने का इरादा किया, शादी का इरादा किया, सब कुछ किया। अब उसके बाद
लोग समझाने के लिए आए, बहुत समझाया, बहुत समझाया, बहुत समझाया, बहुत समझाया, नहीं समझे। लड़की के चचा को पता चला कि हमारा खानदान तो बहुत ऊंचा है और मेरी भतीजी ने ऐसा कर लिया, हार्ट अटैक आया, वो वहीं मर गया। अभी जल्दी का वाक्य, एक दो महीने की बात है, मौली साहब ने वाक्य सुनाया। बिलाखिर लड़की को बड़ी कोशिश की गई, मौली साहब ने समझाया, मौलवियाइन ने भी समझाया, धीरे धीरे करके अब उसको जरा मदरसे में दाखिल किया गया है, क्या मालूम क्या होगा। लेकिन एक लाश घर से निकल गई, देखिए मौत लिखी थी। तो ये जो अपने समाज के अंदर हो रहा है, तो दान दहेज के मसाइल भी बहुत ज्यादा है। ये रस्मों रिवाज को पूरा करने के लिए लोग एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं, लेकिन समझौता करने को तैयार नहीं है, चाहे जो भी हो जाए। सब बोलते हैं हराम 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 हराम, लेकिन सब लेते हैं। अब आप लोग क्या बोल रही है तो बताइए, कम से कम इतना सुनने के बाद आप लोग भी हराम हराम बोलते क्या? किस सब में शामिल होंगे भाई? दान दहेज लेना कैसा है ये बताइए आप। अगर इतने लोग तैयार हो जाएं तो बड़ा फायदा। अभी मैं कल ही, कल कितनी तारीख थी भाई? कल 4 मार्च 2016 जुमा का दिन गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में कर्नाटका के अंदर, वहां के जो अमीर है बाबा नजर खान, उन्होंने केरला का वाक्य सुनाया। केरला के अंदर जो हक वालों की तंजीम ऊपर आगे बढ़ी, किताब सुन्नत का बोलबाला हुआ, उन्होंने कहा यह सिर्फ 40 साल की मेहनत है, 30 साल की मेहनत है, केरला वालों ने क्या किया। वो पैगाम आप लोगों के लिए भी है, आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। केरला वालों ने क्या कि शादी में फिक्स किया भाई महर जो है 5000 से ज्यादा नहीं, 5000 से कम नहीं। शादी में खाने का आइटम जो होता है वो 50 नहीं रहेगा, 25 नहीं रहेगा, बल्कि एक आइटम होगा। और सब लोग मुत्तफिक हो गए कि जी हम ऐसे ही अपने बेटे की शादी करना, बेटी का करना। 30-40 साल मेहनत किए इसी पॉइंट पर, अब माशाल्लाह हक बात की तरफ लोग आ गए। तो क्या इस सुन्नत को जिंदा करने के लिए हम और आप 40-50 लोग मेहनत कर सकते कि नहीं कर सकते? मौलवी लोगों के करने से कुछ होगा? बोले मौलवी लोगों करने से कुछ होगा? मालदार लोग जब तक नहीं करेंगे कुछ नहीं हो सकता। आइए एक मालदार की मैं दलील दे देता हूं आपको। मालदार हो तो ऐसा, और मालदार होने के बावजूद भी उस मालदार ने शादी ऐसी सादी की, दलील सही बुखारी किताब का किताब नंबर 70 हदीस नंबर 5155। अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जा रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा अब्दुल रहमान, लग रहा आपने शादी कर ली। बोले हाँ अल्लाह के रसूल, मैंने शादी की। अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 10 खुशनसीब सहाबा में से, जिनको दुनिया ही में जन्नत की बशारत मिली है, 10 खुशनसीब सहाबा में से है जिनको दुनिया ही में जन्नत की बशारत मिली है, लेकिन उनकी शादी सादी हुई। आज मालदार लोग ही अपनी शादी में नुमाइश करते, गरीब लोग कहां से करेंगे भाई? पैसा आपके पास ज्यादा है तो अपना पैसा दिखा रहे हैं, हाँ खून चूस रहे हैं। जिनके पास पैसा ज्यादा हो ही ना भाई, मालदार बन जाऊं, बड़ा मालदार बन जाऊं, सबसे बड़ा मालदार बन जाऊं। और याद रखिएगा, दूसरे का पेट काट के लेने से अपना पेट भरे उरेगा नहीं, बल्कि दे माए दे माए दे माए दे माए। अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने शादी करी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दावत नहीं दी। अब देखिए मदीना की बस्ती छोटी सी बस्ती है, हाजी साहब लोग मौजूद है यहाँ? कोई हाजी साहब है? हाथ उठाइए हाजी साहब, मैं हाजी साहब को देखना चाहता हूँ। 1 2 3 4 5 माशाल्लाह, मस्जिद नबी तो आप लोगों ने देखा ही होगा। आहा हाजी साहब, मदीना की बस्ती छोटी ही बस्ती थी, मस्जिद नबी जितने दूर है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मदीना उतना ही था। अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दे सकते थे कि मेरी शादी में आइए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दावत नहीं दी। आज मुतवल्ली साहब को दावत नहीं दीजिएगा तो नाराज हो जाएंगे, सदर साहब को दावत नहीं दीजिएगा तो नाराज हो जाएंगे, मौली साहब को दावत नहीं दीजिएगा तो नाराज हो जाएंगे, और अगर इलाके के बड़े जिम्मेदार आदमी को आप नहीं बुलाएंगे और बाराती नहीं ले जाएंगे तो नाराज हो जाएंगे, वो वलीमे में हमारे यहाँ नहीं आएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज नहीं हुए। तो अगर मालदार लोग ये अहद कर ले कि हमने हदीस पर अमल करना और अब्दुल रहमान बिन औफ जैसे मालदार सहाबी के तरीके पर चलना,
एक इंकलाब आ जाएगा, अल्लाह की कसम एक इंकलाब आ जाएगा इंशाल्लाह। तो बोली आज लिख के दे जाइए आप लोग, जी हमने इसी हदीस पर अमल करना, हमने इस हदीस पर अमल करना इंशाल्लाह। देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत नहीं थी, बोले हाँ मेरी शादी तो हुई है। तो पूछा, हम भी पूछते हैं कितने बाराती ले गए थे, दान दहेज क्या मिला, अरे कुछ दिया कि नहीं दिया, दो सवाल हम भी पूछते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दो सवाल पूछा, कौन सा सवाल था वो? लाम वाला नहीं पूछा बल्कि दाल वाला पूछा, कितना दिए। अच्छा मुहर बख्शवाना ये भी रसम है क्या? रूह जब निकलते रहती तो उसके वक्त जाके बोल देते महर बख्श दो, या शादी की पहली रात बोले माफ करो, ये भी रसम चल रही है महर बख्शवाना। वाह भाई, इतना लिया जो देना चाहिए था, जो सुन्नत उस पर अमल ही नहीं। बख्शने वाली बात कर रहे हैं, आपने तो नहीं बख्शा भाई, दान दहेज में आपने तो नहीं बख्शा, 50 तरह के आइटम खाने पीने में आपने नहीं बख्शा, तो इन्होंने क्यों बख्शना? इसलिए माँ बहनों से कहता हूं आपने भी नहीं बख्शना, काय को बख्शने का भाई। कुरानी एतबार से हमारा हक है आप दीजिए, कुरान में लिखा हुआ है सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 4, वातु निसा सदकातहिन निहला फइन तुबन लकुम अन शयइन मिन नफ्सिन फकुलूहु हनीअन मरीअ। तुम अपनी औरतों को खुशी खुशी महर दे दो, अगर वो खुश होके तुमको दे तो खा सकते हो, कोई हरज नहीं। तो पहले गिन के दे देने का मांगने का नहीं, माफ करती कि नहीं करती ऐसा बोलेंगे, धमकाएंगे। अच्छा दे देने का खुशी खुशी, फिर वो खुशी खुशी दे दे। यहां तो जोर जबरदस्ती चल रही है, दादागिरी चल रही है, माफी वाला सिस्टम चल रहा है, यहां लिखा हुआ माफ कर देने का। तो जब वो खुश होकर दे दे तो खाओ। तो बात क्या चल रही थी? हाँ, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला मालदार सहाबी हैं, बड़े मालदार। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने महर दिया, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औलिम वलो बिशातिन, वलीमा जरूर करना गरचे एक बकरी ही क्यों ना हो। अल्लाह हू अकबर, वलीमा जरूर करना गरचे एक बकरी ही क्यों ना हो। बारात लेके जाने का वलीमा में तू चाहे दावत दे या ना दे, लेकिन बारात जरूर ले जाना। नुकसान जानते हैं बारात के, गाड़ी पलट गई, नुकसान हुआ, पटाखे फोड़ रहे थे, आग लग गई, नमाज रोजे से कुछ लेना देना नहीं। अच्छा ये बताइए, शादी ब्याह में आप लोगों के यहाँ वीडियोग्राफी भी होती है क्या? अरे चमसे भाई, ये रस्म और रिवाज तो मिलता जुलता है हर तरफ, पढ़े लिखे लोगों का शहर है ये, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, जानकार लोगों का शहर है ये, पढ़े लिखे लोगों का शहर है ये, वहां बात कर सकते जिनको नहीं मालूम। जिनको नहीं मालूम वो थोड़ा ना वीडियो फिल्म करेंगे, उनको मालूम ही नहीं है। ये जिनको जानकारी है वही लोग ऐसा करते, शैतान मौका देता भाई क्लिप ले ले, ऐसा मौका मिलेगा कहाँ, यादगार। फिर जब मियां बीवी बूढ़े होंगे तो ताक ताक के याद करेंगे उस जमाने को, शम्स भाई इसलिए कर रहे हैं लोग, सही है, क्यों फोटो ले रहे हैं, यादगार फिल्में क्यों बना रहे हैं, वीडियो क्यों कर रहे हैं, फोटो क्यों खींच रहे हैं, एल्बम तैयार है क्यों? जब बूढ़े होंगे ना तो उसको ताकते रहेंगे, हमारी शादी ऐसी हुई थी। अच्छा बुढ़ापे के लिए उसको रखना, ताकते रहना, यादगार बनाना, इसने कहा है। और ऐसा ऐसा मंजर ले लेते वीडियो में, अल्लाह तौबा जिक्र करने का मन नहीं चाह रहा, वो सब तकवा आ जाता बाहर, वो जितने बुरके के अंदर है ना सब वहां निकल जाता, इधर उधर जितने लोग घूम रहे हैं सब जाहिर हो जाते वहां, वहां अल्लाह का डर और खौफ खत्म हो जा रहा। आई आप भी आई। अच्छा तो ये दुल्हन की ये बहन है, तो वो उनकी अम्मी, तो उनकी चाची, तो वो उनकी ये फलां, तो वो फलां। अच्छा जी फुल मेकअप, सब मेकअप के साथ है और सबकी वीडियो फिल्म बन रही है। तो ये जो फिल्म जो बना रहा
उस उम्र से पर्दा नहीं करना क्या? क्यों उससे पर्दा नहीं है? पर्दा नहीं उससे, दूसरा आके बनाता, हमारे मंजर को ले जाता, आजादी हासिल है उनको बनाने का। हमारी गैरत कहां चली गई? हमारी गैरत कहां चली गई? हमारा पानी चू गया है। साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, सही बुखारी किताब अल हुदूद किताब नंबर 86 हदीस नंबर 6846, لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفين فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم, कि अगर मैं अपनी बीवी के साथ किसी को देख लूं तो नंगी तलवार से सर कलम कर दूंगा, या मेरी बहन की फोटो खींच रहा उसमें ले रहा, वीडियोग्राफी भी हो रही है फोटोग्राफी भी हो रही है, सब ले रहे हैं घर के सब लोगों का। अरे आज ही तो एक दिन है चेहरा खोलने का, तकवा कहां चला गया? अल्लाह का डर खौफ कहां चला गया? अगर मैं देख लूं अपनी बीवी के साथ किसी को तो नंगी तलवार से मार डालूंगा, कत्ल कर दूंगा उसको। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये बात पहुंची तो कहा था, अजबून मिन गैरत साद लाना अगयरु मिन अल्लाह अगयरु मिन्नी, क्या तुम लोग साद की गैरत पर ताज्जुब करते हो? मैं उससे ज्यादा गैरतमंद हूं और मुझसे ज्यादा गैरत वाला अल्लाह है। हम लोगों का पानी चू गया इसलिए ऐसा हो रहा है। गैरत पैदा की, तकवा अपने अंदर लाइए। शादी ब्याह के मौके पर नमाज वमाज की पाबंदी होती क्या? वो कहां चला गया? वो कहां चला गया? वो सब तालीम धरी की धरी रह जाती है। और मेकअप के लिए अपने यहां क्या चीज खुले हुए भाई? ब्यूटी पार्लर। अच्छा, ब्यूटी पार्लर में जाने की जरूरत है कि अपना अखलाक अच्छा बनाने की जरूरत है? जाहिरी शक्ल सूरत की तरफ भागेंगे, इसलिए भागना पड़ता कि अपना समाज वैसे ही चल रहा है। इस हम्माम में हम सब नंगे हैं, सब नंगे हैं। शादी ब्याह के मौके पर नमाज वमाज से कोई वास्ता नहीं। नमाज कौन पढ़ती है? बूढ़ी माता, खुसट बुढ़ी, वो नमाज पढ़ेगी। बकिया जवान लड़कियों के लिए कहां है नमाज? लड़कों के लिए कहां है नमाज? रस्म और रिवाज क्या क्या बोले, कहां से शुरू करें कहां खत्म कर दें। चलिए अच्छा, ऐसा दुल्हा मियां घर के अंदर आए, आते हैं, फिर उसके बाद चारों तरफ से उनको कौन घेर लेते हैं भाई घर में? कौन घेरते हैं? औरतें घेर लेती ना, फिर उसके साथ और भी दूसरे लोग आते। अच्छा, जूता चप्पल चुराने का सिस्टम आप लोग यहां भी है क्या? भाई तो हर जगह बराबर ही चल रहा, हम तो सोच रहे थे कि ये सब नहीं हो। फिर उसके बदले क्या पैसा देना पड़ता ना? पैसा देना पड़ता। अच्छा, हंसी मजाक ही हू हू हा हा, ये सब जायज है? सब जायज है। कोई शादी ब्याह में एक ही मौका मिला है, कोई मना करे तो मौलवी हो गया ही, मौलवी कहीं का सूफी सपाटा, ऐसा ही हो रहा है। कोई ख्याल नहीं, कुछ भी एहतियात नहीं। चलिए बच्चों के लिए रस्म शादी वाली बहुत लंबी ले ली हमने। बच्चा पैदा होता उसकी छठी की रस्म है क्या आप लोग क्या है? उसमें क्या करते? लोगों को बुलाते, खतना भी करते क्या? मुसलमानी कराते, दावत उवत भी देते, और कुछ काला धागा होगा भी बांटते क्या? अच्छा, सब कुछ कर रहे हैं, दावतें हो रही है, अकीका चाहे करें या ना करें। अकीका कब करते हैं ये बताइए? जवाब गलत, तीसरे दिन जवाब गलत, शादी से ओके जवाब सही। अकीका कब करते हैं लड़की का? शादी के दिन। हाँ, कहीं कहीं हो रहा है उसकी बात कर रहा हूं मैं। और वही वही खाना वही जानवर किसको खिला देने का? बाराती सबको खिला देने का चल रहा है ये। और एक तीर से दो शिकार। जबकि अकीका कब होना चाहिए था? सातवें दिन होना चाहिए था। लोग फोन करके पूछते हैं, मौली साहब बेटा है तो दो जानवर कंपलसरी है क्या? एक भी कर सकते क्या? यानी जहां अल्लाह ताला के लिए देना हो, अल्लाह ताला को खुश करना हो, वहां लोग क्या करते?
कंसीशन और रस्म रिवाज को पूरा करना हो, कोई नहीं फोन किया कि मुली साहब कुछ लोग हमको दे रहे हैं पैसवा, लू कि नहीं लू। आज तक कोई फोन नहीं करता, क्या ही नहीं। लोग पूछते और मुली साहब को बोलते भी, क्या मुली साहब आप निकाह पढ़ा रहे हैं तो निकाह पढ़ाने का भी 500 लीजिएगा, करोड़ों आप लेकर बैठे हुए हैं तो मुली साहब को निकाह पढ़ाने का 500 भी नहीं दीजिएगा। तो अल्लाह तौबा, अल्लाह के लिए कर रहे हैं निकाह पढ़ा रहे हैं। लोग पूछते, क्या पूछते, महरे फातिमी कितना है वही रखना चाहिए, पूछते कि नहीं। और आपने जो करोड़ों ले लिया है, लाखों लिया है, मामूली शादी बोलते हैं 10 लाख में हो रही है या उससे और कम शादी, शादी करेंगे तो 5 लाख, लाख की तो बात कीजिए ही, लाख से कम वाली शादी कहां हो रही है। अब आप में से कोई बुजुर्ग तैयार है लाख से कम में शादी करने के लिए अपने बच्चों की? बुजुर्ग साहब सुभानअल्लाह, अल्लाह मुबारक, कहां गए इम्तियाज भाई? लाख से कम में तैयार है हमारे बुजुर्ग, सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। अल्लाह के लिए आपने करना, सुन्नत को आपने जिंदा करना, और खुश होना चाहिए आपको कि आप सुन्नत को जिंदा कर रहे हैं। एक मोमिन को हमेशा खुश होना चाहिए कि वो सुन्नत को जिंदा कर रहा है। अब कितने लोग आप में से तैयार है बोलिए, सुन्नत को जिंदा करना कि शादी बिल्कुल शादी करने के बच्चे की? 1 2 सुभान अल्लाह, लीजिए सब लोगों को ले लीजिए, सब यादगार रहेंगे। अल्लाह सबको हिम्मत दे, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ हिम्मत की, आमीन बोलिए। आप हिम्मत भी करेंगे तो समाज में लोग चलने नहीं देंगे आपको, सीधा बोलेंगे फकीर हुआ कहेगा, खा लिया आपने खिला रहा, पैसा हमसे ले लेता नहीं है तो। चलिए छठी की रस्म हो गई, अकीदा नहीं करने का, अकीदा कब करने का? शादी वाले दिन, जबकि सातवें दिन हो जाना चाहिए। भाई ठीक है, लड़के की तरफ से 2 है, एक जानवर भी काट सकते हैं, लेकिन अल्लाह ही के लिए कंसीशन क्यों कर रहे हैं? अपने वाले माल में तो कंसीशन क्या कीजिए। चलिए सब कुछ हो गया, कहीं कहीं ये भी रस्म है, हो सकता आप लोगों के यहाँ हो कि नहीं, रस्म रिवाज कि बेटी जब बालिग हो जाती है तो लोग दावत करते कि जी मेरी बेटी बालिग हो गई है। अब वो है कि नहीं वल्लाह वाला। मैं आंध्रा के कुछ इलाके में था तो वहाँ लोगों ने कहा कि मौली साहब ये हमारे यहाँ बहुत चल रहा है कि बेटी जब बालिग हो गई तो लोग बताते कि जी बेटी बालिग हो गई, जबकि ये होना चाहिए था कि बेटी जब बालिग हो गई, शादी के लायक हो गई तो क्या करने का, कोई लड़का अच्छा मिल जाए तो निकाह के लिए तैयारी करने का, भैया निकाह करो। ऐसा इसलिए होता है शायद, मुझे तो नहीं मालूम, कि लोग निकाह का पैगाम दें, जबकि शादी के लिए दोनों तरफ से पहल कर सकते हैं। दोनों तरफ से मतलब अगर आपको लड़की अच्छी मिल जाए तो आप भी पहल कीजिए, यानी लड़के वाला भी पहल करे। अब आप लोग क्या क्या रिवाज है वल्लाह वालों, और कहीं कहीं जो रिवाज है कि लड़की वाले बैठे रहते खुद लड़के वाले आएंगे, दोनों तरफ से होना चाहिए, लड़के वाले भी जा सकते हैं लड़की वाले भी आ सकते हैं, और दोनों की दलील अपने पास मौजूद है। शुएब अलैहिस्सलाम जैसा कि कहा जाता है, या फिर शुएब जिनके पास 2 बेटी थी, और मूसा अलैहिस्सलाम ने दोनों बहनों की मदद की और बकरी को पानी पिला दिया। तो जब ये दोनों बहनें पहुंची अपने अब्बा के पास तो कहा कि उनको बुला करके लाइए, तो उनको बुला करके लाया गया मूसा अलैहिस्सलाम को, तो कहा उन दोनों बेटियों के अब्बा ने सूरह कसस सूरह नंबर 28 आयत नंबर 27 قال اني اريد ان انكحك احدى بنتي هاتين الا ان تاجرني 8 حجج فان اتممت 10 فمن عندك, कहा मैं चाहता हूं कि अपने दोनों बेटियों में से एक बेटी का निकाह आपसे कर दूं। तो इससे यह पता चला कि बेटी वाले भी पहल कर सकते कि लड़का अच्छा मिल गया है तो क्या करने का, पहल करने का। कभी कभी क्या होता अगर पहल करते तो लोग बोलते अरे क्या कुछ कमी है क्या ऐसा पहल कर रहे हैं, ऐसा नहीं भाई, मिल जाए तो पहल कीजिए, आप भी बात कीजिए। तो मैं चाहता हूं कि अपने दोनों बेटियों में से एक बेटी का निकाह आपसे करूं, लेकिन शर्त यह है कि 8 साल तक मेरे पास रहेंगे आप, और 10 साल तक आप रहे तो और अच्छी बात है। तो पता ये चला बेटी की अहमियत इतनी ज्यादा है कि औरत को हासिल करने के लिए आपको ससुराल में 8 साल और 10 साल भी रहना पड़ सकता है। अगर कोई आदमी ससुराल में जाकर रहने लगे लोग क्या बोलते हैं, जोरू का गुलाम हो गया है, बीवी का नौकर हो गया है, देखो ससुराल में जाकर रहता है। मूसा अलैहिस्सलाम 8 साल या 10 साल तक अपने ससुराल में रहे, तो औरत की बड़ी अहमियत है, तो उनको हासिल करने के लिए आपको 8-10 साल अपने ससुराल में भी टाइम देना पड़ेगा। इससे ये भी पता चला कि अगर सिर्फ बेटी है किसी के पास तो दामाद के लिए भी है कि वो अपने सास ससुर का
ख्याल रखे, जैसा कि मूसा अलैहिस्सलाम 8 साल और 10 साल अपने सास ससुर के यहाँ थे और उनकी खिदमत की। तो ये पता चला, इससे ये मसला निकला, बेटी है आपके पास तो आप भी पहल कीजिए और कहिए जी मैं अपनी बेटी का निकाह आपसे करना चाहता हूँ, आपके बेटे से करना चाहता हूँ, आपने तैयारी करना। अगर लड़की अच्छी मिल जाए तो लड़के वाले को भी चाहिए कि पहल करे। वो फयातुल आयाम जिल नंबर 6 सफा नंबर 302। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रात में गश्त कर रहे हैं, एक घर के किनारे बैठ गए, एक घर के किनारे टेक लग के बैठ गए। बैठे तो घर के अंदर से आवाज आई, बेटी उठो दूध में पानी मिला दो। बेटी ने कहा अमीरुल मोमिनीन का हुक्म है कि दूध में पानी ना मिलाया जाए। तो अम्मी ने कहा अरे कौन सा अमीरुल मोमिनीन, यहाँ कहाँ है वो? तो बेटी ने जवाब दिया इज़न लम यराना उमर फरब वो उमरा यराना, उमर नहीं देख रहे तो क्या हुआ, उमर का रब तो देख रहा है। उसके बाद उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पता लगाया तो कहा पता करो कि वो जो औरत है वो शादीशुदा है क्या? बोले नहीं। तो अपने बेटों को बुलाया, अब्दुर्रहमान आप आइए, अब्दुल्ला आप आइए, आइए आइए। फिर बुलाने के बाद कहा अपने एक बेटे से बेटा आपने शादी करना, ऐसी औरत मिलेगी नहीं। जब लड़की अच्छी मिल गई तो अपने बेटों को तैयार कराया और उसके बाद शादी करा दी। तो इनसे जो बच्ची पैदा हुई वो बच्ची 5वें खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह की माँ है। तो जब कोई लड़की अच्छी मिल जाए तो हमें और आपको भी चाहिए, लड़के वाले को चाहिए कि पहल करे, कदम उठाए कि जी आप अपनी ये लड़की हमें दे दीजिए, लेकिन दीनदार रहे तो कदम उठाने का। आज अपने समाज में बहुत सारी बहनें बड़ी दीनदार हैं, अच्छी अखलाक वाली हैं, लेकिन उनके कोई हाथ लाल पीले करने वाला नहीं, तो अफसोस की बात है। तो कहीं कहीं लोग ये रस्म रिवाज करते हैं कि अपनी बेटी की बुलूगत के बारे में खबर देते, तो ये रीजन हो सकता है। इसलिए लोगों को चाहिए कि शादी के लिए फिक्र करें, और अगर समाज में ऐसा माहौल बनेगा तो इस तरीके के रस्म रिवाज को पूरा नहीं किया जा सकता, लोग उसका समर्थन नहीं कर सकते। और क्या रस्म रिवाज है भैया? मरने के वक्त भी रस्म रिवाज। कौन से रस्म रिवाज? सूरह यासीन पढ़ते क्या रूह जल्दी निकल जाए, जबकि सूरह यासीन ही में लिखा हुआ, सूरह यासीन सूरह नंबर 36 आयत नंबर 72 लियुनज़रा मन कान हय्या। कुरान इसलिए उतारा गया है ताकि जिंदों को आप डराएं, ये जिंदों के लिए, जिंदा करने के लिए, न के मारने के लिए। मरने के बाद अपने समाज में कुरान खाने की भी रस्म है। अब आप लोग क्या है कि नहीं, वल्लाह कुरान खाने की रस्म है, कुरान पढ़ के बख्शने की रस्म है। अरे भाई ये तो यहां भी मौजूद है। आइए एक हदीस के जरिए समझ लेते हैं कि सहाबे कराम भी कुरान खानी करते थे क्या, सहाबे कराम ईसाले सवाब के लिए क्या करते थे, हमें और आपको भी अपने माँ बाप के ईसाले सवाब के लिए करना। दलील सुनना भी दाओ, किताबुल अदब किताब नंबर 40 हदीस नंबर 5142 अबू उसैद सायदी कहते हैं एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा हल बकिया मिन बिर अबवैय शयुन अबरहुमा बिही मिन बाद मौतिहिमा, या रसूलल्लाह हल बकिया मिन बिर अबवैय शयुन अबरहुमा बिही मिन बाद मौतिहिमा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बतलाइए कि मेरे माँ बाप के मरने के बाद मैं अपने माँ बाप के लिए क्या करूं, हो सकता कुरान खानी हो। हो सकता है कुरान खानी का जिक्र हो, मेरे माँ बाप दुनिया से चले गए, मरने के बाद मैं उनके लिए क्या करूं। अब आप ही बताइए खाना मैं खाऊंगा पेट आपका कैसे भर जाएगा, पेट आपका भरेगा? कुरान मैं पढ़ूंगा 10 नेकी मुझे मिलेगी तो आपको नेकी मेरी कैसे ट्रांसफर हो जाएगी? हाँ अगर बच्चे हैं तो माँ बाप को ट्रांसफर हो सकते, अगर बच्चे हैं तो माँ बाप को ट्रांसफर हो सकते। तो मरने के बाद अकाउंट बंद हो जाता, 3 चीज का अकाउंट चालू है। पहले ये हदीस को हम पूरा कर लें कि मैं अपने माँ बाप के लिए मरने के बाद क्या करूं। आप देखिए कुरान खानी का जिक्र है, अस्सलातु अलैहिमा वल इस्तिग़फारु लहुमा व इन्फ़ाज़ु अहदिहिमा मिन बाद मौतिहिमा व सिलतु रहमिल्लति ला तुसलु इल्ला बिहिमा
इकराम और सदीके ही मां। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम अपने माँ बाप के लिए मरने के बाद जो नेकी कर सकते हो, सुन लो ये पांच चीजें हैं। दुआ करना उनके लिए, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, अल्लाह बख्श दे, दुआ करते रहना। हम और आप दुआ कर रहे हैं अपने माँ बाप के लिए जो गुजर गए, बहुत कम कर रहे हैं, करते ही नहीं। कुछ दिन तक याद रहते, याद रहे चौथे दिन, याद रहे 40 दिन, याद रहे 1 बरस, वो खाने पीने का जो आइटम होता उसके बाद कौन याद करता माँ बाप को भाई, बहुत कम। दुआ करते रहिए उनके लिए, नंबर एक। नंबर दो, उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा, दो चीज। नंबर तीन, वो जो वसीयत करके गए उनको नाफिज करना, बेटा ये चीज है इसको करना, ये चीज है इसे करना, ये माल में से उनको वो दे देना, जो वो वसीयत करके मरे जायज वसीयत है उसको पूरा करना, यह है ईसा अलैहि सवाब। तीन चीज। चौथी चीज यह है, वसीलतु रहमी लती ला तुसलु इल्ला बिहिमा, उस रिश्ते का ख्याल रखना कि इन दोनों की वजह से रिश्ता कायम हुआ है। मिसाल के तौर पर अब्बा की वजह से कौन सा रिश्ता बना है, चाचा, अब्बा की वजह से फूफा फूफी, अब्बा की वजह से दादा दादी, इन सब का ख्याल रखना। अब्बा चले गए तो क्या हुआ, चाचा को लोग भूल गए, दादा को भूल गए, फूफी को भूल गए, फूफा को भूल गए, नहीं। और अम्मी की वजह से जो रिश्ता बनता, नाना नानी, खाला खालू, मामू मामी, वो सब जो है, वो रिश्ता जो बना हुआ है उस रिश्ते का ख्याल रखना। तो क्या हम और आप अपने चाचा का ख्याल रख रहे हैं अब्बा की वजह से, फिर मामू का ख्याल रख रहे हैं अम्मी की वजह से, इसका ख्याल रखना। ये नेकी है जो तुम मरने के बाद अपने माँ बाप के लिए कर रहे हो। और आखिरी वसीयत की, वो इकराम और सदीक है माँ, और उन दोनों के दोस्तों का ख्याल रखना। अब्बा है तो उनके दोस्त, अब्बा जब तक थे तो दोस्त आया करते थे, चाचा अंकल, अब्बू चले गए आप नहीं आते हैं, आना चाहिए ना, अब्बा चले गए हम लोग तो हैं, ख्याल रखना खुद पहुंचने का, अब्बा के दोस्त हैं ये, अब्बा के दोस्त हैं ये, और अम्मी की सहेली, उनका ख्याल रखना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पांच चीजों के बारे में कहा, अगर तुम ये पांच चीजें करते हो तो ये अपने माँ बाप के लिए नेकी कर रहे हो। इसमें कुरान खानी का जिक्र तो है ही नहीं। वल्लही सरिल इंसान इल्ला मा सा, सूरह नजम सूरह नंबर 53 आयत नंबर 39, हर इंसान के लिए वही है जो उसने कोशिश की है। आदमी मर जाता है, अकाउंट बंद हो जाता है, तीन चीज का अकाउंट चालू है। एक तो बात और रह गई, उसके बाद मैं बात को खत्म करूंगा। हदीस सही मुस्लिम किताब अल वसीयत किताब नंबर 25 हदीस नंबर 1631, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, इज़ा मातल इंसान इन्क़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासा, इल्ला मिन सदक़तिन जारिया औ इल्मिन युन्तफ़ऊ बिह औ वलदिन सालिहिन यदुलहु। आदमी मर जाता है, अकाउंट बंद हो जाता है, तीन चीज का अकाउंट चालू है, सबका जारिया, मस्जिद बना दी, मदरसे बनवा दिए, जब तक यह है चलता रहेगा। आप रस्मों रिवाज में इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, जरा सही दीनी काम में लगाइए जिसका मरने के बाद भी फायदा, रस्मों रिवाज का उसको पूरा करने में मरने के बाद फायदा है, लेकिन सबके जारी अगर करके जाएंगे तो मरने के बाद भी फायदा। नंबर दो, और इल्म युन्तफ़ऊ बिह, इल्म जिसके जरिए लोग फायदा उठा रहे हैं, टीचर ट्रेनिंग की है, बच्चों को सिखाया, स्टूडेंट को तैयार किया, किताबें लिखी, कैसेट है, सीडी है, डीवीडीज है, तकरीरें हैं, लोग जब तक फायदा उठाते रहेंगे मरने के बाद भी अकाउंट चालू रहेगा। नंबर तीन, वलदिन सालेह यदुलहु, नेक औलाद जो दुआ करे। इसमें शर्त क्यों है नेक औलाद की, बुरी औलाद दुआ नहीं करती। कौन और, बाबा जल्दी मरते भी नहीं, मर गया पूरी जमीन अपने कब्जे में कर लिया, कभी याद करेंगे, दुआ हुआ करेंगे। औलाद अगर नेक रहेगी तो दुआ करेंगे, बुरी रहेगी तो दुआ नहीं करेंगे। इसलिए औलाद को बनाइए, औलाद के लिए ना बनाइए। औलाद को क्या बनाने का, नेक बनाने का, जो औलाद हमारे लिए दुआ करे। अगर हम और आप ऐसा करते हैं तो उसका बड़ा फायदा है, बड़ा अजर है, और मरने के बाद भी अकाउंट क्या रहेगा, हमारा चालू रहेगा। और क्या रस्म और रिवाज है भाई, कई रस्म और रिवाज से हम गुजरते हुए आ रहे हैं, मरने के बाद भी रहा। हाँ, फूल वगैरह भी चढ़ाने की रस्म है कहीं, है ना, फूल वगैरह कब्रों पर चढ़ाते, क्यों चढ़ाते, बरसी पर चढ़ाते, क्यों चढ़ाते, ताकि अजाब ना हो, ये है क्या नियम। क्या हम यही चाहते हैं कि अपने रिश्तेदारों को, अपने माँ बाप को अजाब हो, कोई नहीं चाहता भाई।
इसलिए सब करने का नहीं, कोई चीज पूरा करने का नहीं। और अगर सीधे साधे तरीके पर हम और आप चलते रहेंगे तो कोई नुकसान है? उसमें हमारी जेब ढीली होगी। जेब कहाँ ढीली हो रही है? ये रस्म रिवाज को पूरा करने में जेब ढीली हो रही है। इसलिए हमें और आपको अल्लाह से डरना और सीधे साधे तरीके पर चलना, उसमें अपना जेब भी सही रहेगा, मन भी सही रहेगा और लोगों के ताने भी मिलेंगे तो सवाब भी ज्यादा मिलेगा। इसलिए घबराने की बात नहीं, अकेले तैयार हो जाए, सुन्नत पर हमने अमल करना। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक दे, आमीन। वाखर दावान अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सल्लल्लाहु अला नबीना मोहम्मद व आलिहि वसल्लम, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।